अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू डायन नजर। हम लोग दोस्तों उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना खास नहीं है क्योंकि आज ये मेरे पास बैड न्यूज है। वो बैड न्यूज ये है कि आज हम अपने सारे बर्ड्स ना देने लगे हैं, ये वाले भी, क्योंकि इसका देखें दोस्तों ये फीमेल रह गई है, सिर्फ मेल इसका गर्मी की वजह से एक्सपायर हो गया। और मैं सोचता हूँ कि ये जो हमारी मुर्गी यहाँ पे बैठी होगी, आपको याद होगा ये जो बैठी थी, इसका दो चिक्स निकले थे, उसमें से भी एक चिक्स एक्सपायर हो गई गर्मी की वजह से। गर्मी बहुत हो रही है और इसकी वजह से हमारे सारे ना बर्ड्स एक्सपायर हो रहे हैं। गर्मी बहुत है अभी यहाँ पे, ये देखें सेटअप का भी बहुत बुरा हुआ है ये भी। तो उसमें से मैं बताऊँ अगर आपको आके आज हमारा क्या क्या चला जाएगा, और हमारे ईद के बाद ना फिर हम दोबारा नए केज ले करेंगे। ये केज भी हम सारे दे देंगे, पुराने हैं ये काफ़ी, और हम नए केज ले करेंगे और अपना सेटअप भी सारा सही करेंगे। हमने मास्टर केज को भी पेंट करना है और अपने बाकी केज वगैरह भी सारे नए ले करेंगे। अभी हम ये मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चला जाएगा अभी जल्दी। अभी इसमें से ये पेयर एक आधे दिन में चला जाएगा, जो आज जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। आज ये गोल्डन टेल वाला भी पेयर चला जाएगा, ये किसी काम का भी निकाल रहा है ना, कुछ अंडे देते हैं अंडे तोड़ देते हैं ऊपर से, ना कुछ बच्चे वगैरह निकालते हैं कि ब्रीड हुए नहीं। ये गर्मी में मैं भी रखे हैं तो ये भी दे देते हैं आज। और ये वाले ये चिक्स है दोनों, और इनकी माँ है ये दी, ये वेले भी चली जाएगी। और हमारे खरगोश है वो इनको मुर्गे वगैरह बाहर निकलने नहीं देते, ये देखें इनको गर्मी की वजह से बाहर निकलने नहीं देते, वो मारते हैं बाहर। वो देखे वो यहाँ नीचे घुसे रहते हैं, गर्मी बहुत है, वो बेचारे यहाँ नीचे घुस के बैठे रहते हैं। देखें तो आज ये भी चले जाएंगे, और हमारे बजीज जो हैं सामने वो जो वहाँ पड़े हैं उनमें से भी कुछ आधे चले जाएंगे, आधे रह जाएंगे। कबूतर भी वो सामने वाले चले जाएंगे, फिर हमारे पास रह जाएगा चॉकलेट रह जाएगा, और ये तो थोड़े से यही रह जाएंगे यहाँ, ये भी चली जाएंगे जल्दी। ये फिंचिस रह जाएंगी यहाँ, ये भी चली जाएंगी। अभी हमें सारा कुछ वैसे ही भेज रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है दोस्तों, जिसकी वजह से इनको रखाना बहुत मुश्किल हो रहा है, ये अभी एक्सपायर हो रहे हैं। तो जब हम इनका माहौल सही से सेटअप कर लेंगे फिर हम इनकी चीज़ें दोबारा से रखेंगे। तो आज हम इनको पैक करते हैं, जो जो जाने हैं आज ये जाना है, और हमारे रैबिट जाने हैं, और देखते हैं अब इनको किसी में चीज़ में डालते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सामने रहे काफ़ी ज़्यादा बजीज के बच्चे भी निकले हुए हैं, वो भी गर्मी से कैसे बाहर आके बैठे हैं, मैं चलाओ दिखाता हूँ। ये हमारा चॉकलेट भी धूप में बेचारा खड़ा है, इसका भी कुछ सेटअप सही करना पड़ेगा। ये भी लगाए तो यहाँ पर दे, लेकिन ये सारे सही नहीं है, ये हम कुछ दिन तक सही करके लगाएंगे ताकि इसको भी ज़रा धूप से प्रोवाइड हो, गर्मी ना लगे ज़्यादा। और यहाँ इसको अंदर से थोड़ी चीज़ें खाली करेंगे ताकि हम इसको अंदर भी रख पाएँ। तो यहाँ पर देखते मैं बताता हूँ आपको बच्चे, ये देखे काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह बच्चे यहाँ पर भी निकले हुए हैं। तो गर्मी की वजह से सारे भी ये छोटे छोटे से हैं, गर्मी की वजह से सारे बाहर आके बैठ गए, ये देखें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा निकले हुए हैं, सारे नीचे आके बैठे हुए हैं। ये देखें कि कितना छोटा सा है ये वाला, गर्मी की वजह से बाहर आके बैठा हुआ है, गर्मी क्योंकि बहुत हो जा रही है इनके बीच में। और इनको हम रोज़ पानी बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी ये एक्सपायर हो जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जो हमारे कबूतरों का था, ये भी हमने टूमिन को कर दिया था, आपस में खोल दिया था बीच में से। इसमें भी आपको याद होगा एक हमारा बच्चा निकला हुआ साइन में, वो भी हमारा गर्मी की वजह से एक्सपायर हो गया, जिसकी वजह से हमारा बहुत दिल बुरा हो रहा है कि हमारे जो बच्चे निकल रहे हैं वो एक्सपायर हो ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम ये भी सोच रहे हैं ये भी अभी फ़िलहाल दे दें, क्योंकि ये भी गर्मी बहुत है जिसकी वजह से सर्वाइव करना इनके लिए भी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ये वाला भी हम दे देंगे इसलिए। और वहाँ से भी अभी आधे जिसके बच्चे वगैरह बड़े फीमेल वगैरह नहीं दे देंगे ताकि ज़रा गर्मी में कम हो, तो फिर हम ये वापस लेकर आएंगे। तो अब हम इनको अंदर ले अंदर चलते हैं, कि जो चीज़ें जानी है इनको जानते हैं किसी चीज़ में, और फिर लेकर चलते हैं मार्केट, इनको दे देते हैं। मैंने एक ये थैली पकड़ ली है, अब इसमें ये लग के डालते हैं, फिर इनको लेके चलते हैं। और बाइट से ये नीचे रैबिट से रैबिट नीचे उसे इनको पकड़ना, देखते हैं कैसे पकड़ते हैं बाहर निकाल के, पहले ये टाइम डालते हैं लगे।
ये थाली में, ये देखे इसने अंडे दिए हुए थे, लेकिन ये अंडे में से बच्चे दो तीसरी बार इतने अंडे दे चुके हैं, लेकिन बच्चे ने एक बार भी नहीं निकाले। और हमारा इस पैर में वो दुख हुआ था जिसका मेल एक्सपायर हो गया, ये फीमेल का वो जो बैठी है, ये वाले माशाल्लाह दोनों, ये भी चला जाएगा गर्मी की वजह से, ये देखें सही था। इसने भी कितनी बारी बच्चे निकाले हैं, और इसके चार पाँच सात बच्चे निकले हैं इसके, और सारे एक्सपायर हुए गर्मी की वजह से, सर्वाइव भी नहीं कर पाए, पता नहीं क्या हुआ जिसकी वजह से ये भी एक्सपायर हो गए। अब हम खरगोशों को देखते हैं, खरगोश निकालते हैं नीचे से, उसके नीचे घुस के बैठे हैं, इनको किसकी मदद से पता नहीं निकाल जाएगा, इनको इधर आ गया, तुम्हें इसकी मदद से निकालने की कोशिश करते हैं खरगोशों को नीचे से, तो फिर इनको लेके चलते हैं। बाकी हम सेटअप को भी अपना सही से करेंगे, ताकि ये यहाँ पे रखे जाएँ, हमारे बर्ड्स वगैरह रखे भी अच्छे भी लगे, और इनको अच्छा सा माहौल प्रोवाइड किया जाए जिससे इस फोन में रहे। अब इनको भी डालते हैं, देखे ये भी सारे गर्मी की वजह से कैसे हो रहे हैं, अब निकालते हैं वो, फिर लेके चलते हैं इनको भी। तो दोस्तों रैबिट्स को पकड़े जा रहे, वो बाहर ही नहीं निकल रहे, ये देखे अब एक आया बाहर, ये दूसरा भी निकल रहा है, पहले ये बाहर निकाल रहे हैं सारे, फिर इनको पकड़ देंगे, क्योंकि ये तो पकड़े जा रहे हैं नीचे से, घुसे नहीं जाना, वो देखो मैं नीचे घुस गए, ये नीचे घुस ही जा रहे हैं, देखे अरे वो नीचे बैठे हैं, एक ही है वो तीसरा भीतरी होना कहीं पर, वो तीसरा पीछे बैठा है, ये पकड़े ही नहीं जा रहे। तो दोस्तों रैबिट्स भी पकड़े गए, बड़ी मुश्किल से पकड़े गए, ये देखें ये हैं, इसके थोड़े में डाले हैं, ये हिल बड़े रहे हैं, ये भी पकड़े गए हैं, ये देखें वो अंदर तीनों, तो अब इनको भी लेके चलते हैं, बाकी अभी फिलहाल तो यही जा रहे हैं, बाकी ये भी एक आधे दिन में चले जाएगा, ये भी कल परसों चले जाएगा, और ऐसे ऐसा बाकी भी जाएंगे अंदर से, भी अभी अंदर हम खाली करेंगे, क्योंकि अंदर सारा हम ये सही करेंगे, फिर इसके अंदर परिंदे वगैरह ईद के बाद हम न्यू केज भी लेकर आएंगे, फिर हम अपना सेटअप अच्छे से करेंगे। अभी इनको लेके चलते हैं, तो हम वो रैबिट और वो लक्के वाले पैर भी आए हैं, आप ये देखते हैं अंदर चल के कैसा लग रहा है, मैं खा लिया उन्हें बिल्कुल ही, देख रहे थोड़े से मुर्गे रह गए, ये भी अब मैं, ये भी एक दो दिन में चले जाएगा, ये भी कल परसों चलेगा, फिर पीछे एक फीमेल रह जाएगी, इसका मेल चला गया, और ये फिंचिस रह जाएंगी, ये अंदर वाले दो रह जाएंगे, और एक ये रह जाएगी बच्ची, सभी हमने नहीं अभी आते निकाले, क्योंकि वो बच्चे से छोटे, वो उनके पास जिनके पास जाने से उनके पास भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, अभी हमने कहा इनको इनके माँ बाप के पास रहे, बाकी अब ये सिर्फ रह गए पीछे, और अब हम ये भी सारा अपना सेटअप चेंज करेंगे, नहीं लाइट्स वगैरह भी लगानी है, लाइट्स भी नहीं देखे ना यार, रात को बंदा रात का टाइम है, पानी वगैरह चेंज करने रोशनी वगैरह बना, रात को अंधेरा काफ़ी हो जाता है, ये हमारा एक चिक से निकला था, ये देखें दो निकले थे, इसमें से एक हमारा मर गया, इधर भी एक रह गया, ये देखें ये हमारी मुर्गी अंडों पे बैठी थी, ये उसका चिक्स है, ये जो बैठी थी ऊपर, दो निकले थे, एक गर्मी की वजह से वो भी एक्सपायर हो गया, तो अब बाकी इसके यहाँ पे जो लक्के थे इसके अंडे पड़े थे, इसके अंडों का कुछ करते हैं, ये इसके दो अंडे हैं, पता नहीं सही भी हैं या नहीं, देखते हैं यहाँ से, ये वाला तो ज़ाया है, खाली है, ये गंदा अंडा, दूसरा वाला चेक करते हैं, ये भी गंदा अंडा है, दोनों अंडे ही गंदे हैं, ये किसी काम से नहीं, तोड़ते हैं बाहर चल के, फिर पहले अंडा मैंने सोचा था अगर ये अंडे सही हुए ना तो मैं उन कबूतरों में किसी के नीचे रख दूंगा वो वाले, लेकिन ये दोनों अंडे ही गंदे हैं, ये बाहर हम तोड़ देते हैं, और बाकी अब इधर भी सारा कुछ सही करेंगे हम, ये वाले भी पैर, ये वाला भी केज दे देंगे हम, ये भी केज दे देंगे, ये वाला भी यहाँ पे हम न्यू केज लाएंगे जो दीवार के साथ फिक्स हो सके, क्योंकि जगह भी इधर आके हमारी खुली हो जाए, और हम चीज़ें भी ज़्यादा अच्छी रखें और अच्छी भी लगें चीज़ें, ऐसे सारा गंद पड़ा हुआ है मुर्गों की वजह से, खरगोश भी हमने सारे बीच में छोड़ दिए थे जिसकी वजह से सारा गंद हो गया था, अब खरगोश भी चले गए हैं, और मुर्गे भी काम करेंगे हम उधर से, तोते वगैरह सिर्फ रखेंगे जिससे हमारा ये अच्छा लगे सेटअप, ये देखें यहाँ पे सारा खरगोशों का गंद है, बीच में बकरा भी अंदर है हमारा, ये चॉकलेट भी अंदर आके बांध गया था, उसकी वजह से भी काफ़ी गंद हो गया, अब वो भी बाहर हमारा, इसका भी बाहर तरह ये चादर वगैरह अच्छे से लगाएंगे ताकि वो उसको धूप ना पड़े, धूप में ना सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल मोहित अकेडमी को सब्सक्राइब करें,
मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दाया दीजिए, अल्लाह हाफिज़।